नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपके सामने आज पेपरों में बहुचर्चित आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा करेंगे। आज पेपरों में और सभी समाचार माध्यमों में मुख्य रूप से पांच समाचार हमने आपके लिए चुना है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है और उससे भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए हमने उन पांचों टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इन पांचों टॉपिक्स पर आपके लिए भरपूर मात्रा में सामग्री बनाई है और उस सामग्री को बना करके हमने एक पीपीटी बनाई है। पीपीटी को हमने स्लाइड शेयर पर डाला है और उसका लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस वीडियो को सुनने के साथ साथ अगर भविष्य में उसको पढ़ने के लिए रखना भी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए और उसको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकाल के सुरक्षित रख लीजिए। भविष्य में आपके लिए ये बड़ा उपयोगी साबित होगा। तो हम आपको बता दें कि ये पांच विषय जो आज के समाचार पत्रों में मुख्य रूप से आपके लिए उपयोगी थे वो है, एक तो आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरा था SC ST को पदोन्नत में आरक्षण, इससे जो संवैधानिक प्रावधान है या जो कोर्ट का डिसीजन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बाकी जो राजनीतिक मुद्दे हैं या जो चर्चा के मुद्दे हैं जिनको, उस पर आपको विषयांतर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से, अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से आप इसको देखिएगा, बाकी राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ दीजिए। वो लोग इस पर चर्चा और बहस करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है, आपके पास इस तरह का ना पर्याप्त समय है ना तो आप इसको इस पर अपना समय वेस्ट करिएगा। तीसरा था कि अदालतों का सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट्स, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब उसका भी प्रसारण होगा। तो हम आपको ये भी बता देंगे कि अभी तक कहां कहां पर कोर्ट के का लाइव प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, ये भी हमने आपको इसमें बताने की कोशिश किया है। और इसके बाद चौथी है, सरकार ने दूर संचार नीति, टेलीकॉम पॉलिसी 2018 दूर संचार नीति घोषित कर दी है। ये आपके लिए एक अनिवार्य और बहुत ही उपयोगी विषय था जो समाचार पत्रों में बहुत छोटे में दिया हुआ था लेकिन आपके लिए उपयोगी था, तो इसको हमने निकाल करके आपके लिए लाने की यहाँ पर कोशिश की है। तीसरा है, बहुत छोटे से लास्ट पेज पर एक छोटा सा मैटर दिया हुआ था, GSTN अब सरकारी कंपनी बन गई। तो सबसे पहले जब मैंने आपको GST पढ़ाया था, GST से संबंधित जो हमने वीडियो लोड किया था, अगर उसको आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें मैंने GSTN की चर्चा करी थी। तो लेकिन आज हमारे कुछ छात्रों ने और कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि ये GSTN क्या होता है, तो मुझे ये लगा कि नहीं, इसको आप तक एक बार पुनः पहुंचाने की ज़रूरत है, तो हमने उसको भी आज के इस वीडियो लेक्चर में शामिल कर लिया है। और जो अंतिम था वो है, 13 वैज्ञानिकों को विज्ञान का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, तो उनको भी हम उसके प्रमुख नामों पर भी आप चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे चर्चित फैसले से, जो आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की ये कोशिश करते हैं, देखिए फैसला तो बाद में जान लेंगे, जो आया है उसको आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आप ये तो बताएं, आप ये सोचें कि आधार वास्तव में है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
UIDAI आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले तो आप समझ लीजिए कि इसका फुल फॉर्म आप पूरी तरह से रट जाइएगा। कई लोगों ने आज हमसे पूछा कि आधार का फुल फॉर्म क्या है, तो पहली बात मैं बता दूं कि आधार हिंदी का एक शब्द है जिसका कोई एब्रिविएशन नहीं है। उसको इंग्लिश में AADHAAR आधार इंग्लिश में लिखा गया है, वो हिंदी का शब्द है। तो आधार का एब्रिविएशन आप ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करिए। आधार का कोई एब्रिविएशन नहीं है, आधार का कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक संविधानिक इंस्टीट्यूट है, प्राधिकरण है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी जो सरकार देती है लोगों को, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016, यानी जिसको आधार अधिनियम 2016 याद रखिएगा, इसको आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दिनांक 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना की गई। ध्यान रहे, ये इसके पहले, यानी इसके पहले 12 जुलाई 2016 के पहले किसके अंतर्गत था, तो ये आपको मैं बता दूं कि यह एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व UIDAI तत्कालीन योजना आयोग, जिसका नाम अब नीति आयोग बदल करके कर दिया गया है, उसके राजपत्र अधिसूचना संख्या A43011/2/2009 एडमिन 1 दिनांक 28 जनवरी 2009 के तहत इसके एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। यानी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, यह योजना आयोग का एक डिपार्टमेंट। बाद में सरकार द्वारा सरकारी कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करके 12 सितंबर 2015 को UIDAI को तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संबद्ध कर दिया गया और इसको एक सांविधिक प्राधिकरण बना दिया गया। आपको पढ़ा जानने में रोचक लगेगा, प्रथम UID नंबर यानी आधार नंबर महाराष्ट्र के निवासी नंदूरबार को 29 सितंबर 2010 को जारी किया गया। प्राधिकरण द्वारा अब तक 120 करोड़ से अधिक, मैंने ये डेटा आज ही वेबसाइट से उठाया है, 1,22,56,9,189 से अधिक निवासियों को आधार नंबर अब तक प्रदान किया जा चुका है। तो ये रही आज इसका थोड़ा सा इतिहास। थोड़ा सा और इसके बैकग्राउंड में चलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इस योजना की शुरुआत कारगिल युद्ध के समय से मानी जा सकती है। कारगिल युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया था। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 2000 में सुझाव दिया, सन 2000 में ये सुझाव दिया कि सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को तुरंत पहचान पत्र दिया जाए और इस प्रक्रिया को बाकी देश में भी लागू किया जाए। इस कमेटी के सुझाव को पढ़ने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। इस समूह ने 2001 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन इसके बाद ये कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। फिर हम आपको बिल्कुल ब्रीफ जानकारी यहां दे रहे हैं, टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इतिहास आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 28 जनवरी 2009 को योजना आयोग ने UIDAI का नोटिफिकेशन जारी किया। नंदन नीलकेणी, जो उस समय इंफोसिस में थे, इंफोसिस के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, उनको UIDAI का चेयरमैन बनाया गया। 2010 में, सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में इस योजना को लॉन्च किया गया। क्योंकि नंदन नीलकेणी वहीं से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत उधर ही से किया।
दिसंबर 2010 में नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2010 पेश किया गया। इस बिल को वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। ध्यान रहे, अभी इस मुद्दे को लेकर के अभी फिर चर्चा होगी कि ये, क्योंकि जब सरकार ने इसको पास कराया था तो इसको धन विधेयक के रूप में पास कराया था, तो और आज उसी बात को लेकर के फिर से चर्चा हो रही है। तो ये आज की कोई चर्चा नहीं है कि इसको धन विधेयक के रूप में क्यों पास कराया गया या ये धन विधेयक से कैसे संबंधित है, और धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया जाता है। और जानते हैं कि अनुच्छेद 112 आपको बजट से संबंधित बात करता है, बजट कैसे पेश किया जाता है, बजट की प्रक्रिया यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। तो चलिए हम बात करते हैं, इस बिल को वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। 2011 में सितंबर 2011 तक 10 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बनवाया। दिसंबर 2011 में नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल पर स्टैंडिंग कमेटी ने सवाल उठाए और कहा कि लोगों की निजता और संवेदनशील जानकारी का कैसे ख्याल रखा जाएगा। 2012 में 30 नवंबर 2012 को कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के एस पुट्टास्वामी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 30 नवंबर 2012 को कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आप जानते हैं कि रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकालत कर सकते हैं, तो और उनको वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया जाता है, और ये दर्जा अभी भी कुछ लोगों को मिला है, आपने ध्यान दिया होगा किसके द्वारा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है। तो 30 नवंबर 2012 कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के एस पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी आधार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जज के एस पुट्टास्वामी ने यह दलील दी कि बायोमेट्रिक डेटा लेना लोगों की निजता का हनन है, यानी उनकी प्राइवेसी इससे भंग हो रही है। 2013 सितंबर में दो जजों की बेंच ने आधार के सभी मामले की सुनवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कुछ विभागों ने आधार को अनिवार्य घोषित करने वाले सर्कुलर जारी किए हैं, इस तथ्य के बावजूद आधार कार्ड नहीं बनवाने वाले लोगों को इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी यह फैसला आम लोगों के पक्ष में था। 26 नवंबर 2013 को बेंच ने यह आदेश दिया कि आधार केस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी बनाया जाए। 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार नंबर ना होने की सूरत में किसी व्यक्ति को ऐसी किसी सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा जिसका वो अन्य स्थिति में हकदार होता। आधार यानी आधार अनिवार्य नहीं है ये बताने के लिए सरकारी विभाग अपने फॉर्म सर्कुलर में संशोधन करे, यानी आधार की अनिवार्यता यहाँ सरकार कोर्ट ने खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 16 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें सितंबर 2013 में दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं। 11 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा कि भारत सरकार रेडियो और टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रचार करे कि किसी नागरिक के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खास तौर पर खाद्यान्न, रसोई, ईंधन, जो आपका गैस है जैसे केरोसिन के अलावा किसी और मकसद से प्रतिवादी केंद्र और राज्य सरकार जो इसके प्रतिवादी थे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधार कार्ड जारी करते वक्त किसी व्यक्ति के बारे में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का इस्तेमाल किसी अन्य मकसद से नहीं किया जाएगा। आपराधिक जांच के मामले में कोर्ट के आदेश से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 15 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी सुविधाओं को अपवादों की सूची में रखा, यानी यहाँ पर आधार
को अनिवार्य किया जा सकता है। यदि इसका अगर आपको लाभ लेना है तो आधार, आपको आधार रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए बिल्कुल कोर्ट ने इसको अपवाद माना। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम भारत सरकार को हिदायत देते हैं कि आधार केस में 23 सितंबर 2009 से लेकर अब तक के सभी आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि आधार कार्ड योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और जब तक कोर्ट इस पर कोई अंतिम आदेश नहीं देती है, इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सरकारी स्कीम का लाभ लेने वाले कार्यक्रमों को इसकी अपवाद में रखा गया था, यानी वहां पर इसको सरकार चाहे तो वहां पर इसको लागू कर सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं बना सकती। चलिए 2016 की बात करते हैं। 3 मार्च को आधार बिल को लोकसभा में पेश किया गया, बाद में इसे वित्त विधेयक के रूप में पास कर दिया गया। थोड़ा सा यहां मैं चर्चा कर दूं आपको, इसके पहले तक भी अभी मैंने बताया था कि ये योजना आयोग के एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा था। अब इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास लाया जा रहा है और इसे एक संवैधानिक संस्था के रूप में लाया जा रहा है, तो इसे संसद से पारित कराना था, लेकिन सरकार ने इसे वित्त विधेयक के रूप में पारित कराया। आप जानते हैं कि वित्त विधेयक, अगर संसद में वित्त विधेयक लाना है तो वो लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत कम था तो यहां पर इसके पास होने की उम्मीद कम थी, और सरकार ने अगर इसे वित्त विधेयक का स्वरूप दे दिया तो लोकसभा के पास कर देने के बाद, यानी जहां पर सरकार की मेजोरिटी थी, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक की विशेषता है। तो 3 मार्च को आधार बिल को लोकसभा में पेश किया गया, ध्यान दे लीजिएगा। 25 मार्च को राष्ट्रपति ने आधार बिल को स्वीकृति दे दी। 10 मई को कांग्रेस नेता जयराम रमेश आधार बिल को वित्त विधेयक के रूप में पास करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हमने अभी कहा ना कि राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक नहीं सकती है, धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यसभा में रोका नहीं जा सकता, यानी अनुच्छेद 110, यहां पर अनुच्छेद 110 की बात की जा रही है। 21 अक्टूबर को एसजी बोमबाल वादकरे ने आधार एक्ट की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 5 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने यह माना कि आधार के लिए डेटा जमा करने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को देना अच्छा आइडिया नहीं है, ये किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि जीएसटीएन में सरकार ने पहले अभी कंपनी को शामिल किया था और इसके बाद अब सरकार ने उसको 100% गवर्नमेंट कंपनी बना दिया, लेकिन शुरुआत में उसको भी जीएसटीएन को भी एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी बनाया था सरकार ने, उसमें सरकार की हिस्सेदारी केवल 49% थी। अभी उसकी भी चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। 21 मार्च को सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139AA, ध्यान रखिएगा, सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139AA, 139AA को शामिल किया। इसके तहत पैन कार्ड और रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। यहां पर यह सेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है, 139AA। 21 अक्टूबर को आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक में अकाउंट खोलने और 50,000 रुपए से अधिक लेन देन पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यहीं से लोगों की सबसे बड़ी मुसीबतें शुरू हो गई और यहीं से आधार कार्ड प्राइवेसी भंग करने की जो बात थी, प्राइवेसी लीक होने की बात थी, लोगों को यहीं से अनइजीनेस फील होना शुरू हो गया और ज्यादा इस पर चर्चा हुई। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया, यानी अब चलते हैं 2018 में। 17 जनवरी को 5 जनों की बेंच ने आधार मामले की सुनवाई शुरू की। 7 मार्च को इस बेंच ने कहा कि एनईईटी और नीट की
और बाकी परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं हो सकता, जैसे कि नीट, सीबीएसई और टेट, एसएससी आदि परीक्षाओं में आधार को अनिवार्य कर दिया गया था। यूजीसी नेट में सब में अनिवार्य कर दिया गया था, बिना आधार के आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता। 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। 26 अप्रैल को पीठ ने कहा कि सिम कार्ड और मोबाइल सेवा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता। 10 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसले को सुरक्षित कर लिया। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि विवाद क्या था, आखिर विवाद क्यों उठा। सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य किया था। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने, पैन कार्ड बनवाने, मोबाइल सिम, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि इससे लोग बिना किसी गड़बड़ी और जालसाजी के सरकारी स्कीम्स और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इससे आधार कार्ड को आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्यता दी गई है। वहीं आज क्या करता है, इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं, यानी प्राइवेसी भंग होने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी 26 सितंबर को आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। बताया गया कि इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO अजय भूषण पांडे ने मजबूती के साथ प्रेजेंटेशन दी। पांडे ने अपने तथ्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट को आश्वस्त किया कि आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट और याद रखना है, वो फैक्ट है कि UIDAI के जो CEO हैं वो कौन है इस समय, अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे ने इसको बड़ी जोरदार ढंग से कोर्ट में अपना प्रेजेंटेशन, PPT प्रेजेंटेशन बना के ले गए थे और उसको उन्होंने वहाँ पर अपना पक्ष, सरकार का पक्ष, अपना क्या, सरकार का पक्ष रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी दृष्टिकोण था कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार संख्या से या पैन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य होगा, यानी पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार संख्या देना जरूरी है। सरकारी योजनाएं जैसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार संख्या अनिवार्य होगी। इससे जो बिचौलिए और जो भ्रष्टाचारी हैं या जो फर्जी लोगों को दिखा करके, फर्जी व्यक्तियों को दिखा करके जो उसका लाभ ले लेते हैं, उनसे उस पर नकेल कसा जा सकेगा। जांच एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डेटा ले सकती हैं, पर इसके लिए उन्हें न्यायिक आदेश लेना होगा। लेकिन सरकार ने कहा कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि अब आप चाहे जितने अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा आसानी से रख सकते हैं, यानी अब सरकार इसको, आप अगर अपने बैंक के अकाउंट को आधार से लिंक करा लिए हैं तो अब आप जा करके अपने बैंक अकाउंट को आधार से डीलिंक करवा सकते हैं। हाँ, आपको एक एड्रेस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आप उसको जा करके तत्काल आधार से डीलिंक करा सकते हैं, यानी आप जहाँ जहाँ आधार लिंक कराए हैं उसको डीलिंक करा लीजिए, इससे आपको ब्लैक मनी रखने में फायदा होगा। मोबाइल सिम लेने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार नंबर नहीं मांग सकती हैं। बच्चों के एडमिशन के समय स्कूल आधार नहीं मांग सकते। CBSE, UGC, नीट और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है या उसको व्याख्या उसका व्याख्या किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ऐसे में उसे लाभ में नहीं गिना जा सकता। यानी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है, तो उसको हम सरकार से कोई लाभ नहीं ले रहे हैं,
कि हमारे जगह पर कोई दूसरा उसका लाभ ले लेगा, तीसरा लाभ लेगा, चौथा लाभ ले लेगा। तो इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा। बच्चों को माता पिता के आधार पर योजना में इनरोल किया जा सकता है। और सर कुछ नकेल कसा है सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों पर, उसमें क्या क्या कसा है ये जरा आप देख लीजिए। निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े एकत्रित करने की अनुमति देने वाली आधार कानून की धारा 57 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां अन्य कारपोरेट और निजी संस्थानों को आधार नंबर और बायोमेट्रिक आंकड़े जुटाने की अनुमति मिलती थी। यानी आप जाइए आधार नंबर से आप तुरंत सिम कार्ड खरीद लीजिए, तुरंत सिम कार्ड चालू करा लीजिए, बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, या आप डीमैट अकाउंट खुलवाना है तुरंत आधार नंबर से डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, ये सब। लेकिन इससे डेटा जो था आपका वो उनके पास चला जाता था और वो आंकड़े कस्टमाइज करके आपके सामने पेश करते थे, कस्टमाइज करके आपके सामने वो अपने उत्पाद प्रस्तुत करते थे। ये एक प्रॉब्लम थी। धारा 33(2) के मौजूदा स्वरूप को अस्वीकार बताते हुए कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति की सूचना साझा करने की अवधारणा में खामी नहीं है, लेकिन इसके लिए संयुक्त सचिव से ऊंची रैंक के अधिकारी की मंजूरी होनी चाहिए। दुरुपयोग रोकने के लिए हाईकोर्ट के जज को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को नया प्रावधान बनाने की छूट दी, यानी सरकार चाहे तो अभी इस पर कोई नया प्रावधान ला करके 33(2) को फिर से ला सकती है। धारा 47, इसके तहत कोई भी कोर्ट आधार एक्ट के तहत किसी भी अपराध का तब तक नोटिस नहीं ले सकता था जब तक UIDAI शिकायत न करे। यानी आप सोचिए कि डेटा चोरी हुआ आपका, सूचना चोरी हुई आपकी, लेकिन आप शिकायत ही नहीं कर सकते थे अब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके तहत अब आधार के ऑथेंटिकेशन से जुड़े आंकड़े अब 6 महीने से ज्यादा कोई रख नहीं सकता, और पहले इसको कोई भी कंपनी 5 साल तक रख सकती थी। यानी जो आपने अगर कहीं पर सिम कार्ड लिया है, कहीं पर आपने अकाउंट खुलवाया है या कहीं कुछ ऐसा काम किया है, तो आपका जो ये डेटा है पहले कंपनियां 5 साल तक सेव कर सकती थी, सुरक्षित रख सकती थी, लेकिन अब उन्हें वो 6 महीने से ज़्यादा इसको सुरक्षित नहीं कर सकती हैं। तो बहुत आम आदमी को राहत देने वाले फैसले कुछ हैं, इनके बारे में आपको बता दें। आम आदमी आधार एक्ट के तहत अपराध की शिकायत कर सकेगा। यानी किसी को अगर ये लगता है कि उसके आधार या उसके व्यक्तिगत डेटा में को चोरी करके कहीं प्रयोग किया जा रहा है या उसकी व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी पर्सनल सिक्रेसी, उसकी सिक्रेसी लीक हुई है आधार के माध्यम से, तो वो जा करके अब मुकदमा कर सकता है। पहले ये काम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI को ये करना पड़ता था, अब आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। तो आधार की सूचना सार्वजनिक करने से पहले उस व्यक्ति की सुनवाई होगी। निजी कंपनियां आधार की सूचना नहीं मांग सकेंगी। कारपोरेट बॉडी को आधार का सत्यापन नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के वास्ते आधार का राज्य या किसी निकाय द्वारा इस्तेमाल नहीं होगा। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी का सूचना देने का प्रावधान रद्द हो गया। बच्चों को आधार बनाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। अवैध नागरिकों के आधार नहीं बन सकेंगे। आधार अथॉरिटी के अलावा अब सामान्य व्यक्ति भी आधार एक्ट के तहत किए गए अपराधों की शिकायत कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा आधार से संबंधित मुख्य मुख्य चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ इसमें से समझ में आ गया होगा और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ फिर भी जानना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
आप अपने प्रश्न लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे निर्णय के, जो दूसरा निर्णय था यानी एससी एसटी को पदोन्नत में आरक्षण देने वाला निर्णय जो था वो था 1955 से शुरू हुआ था, लेकिन आज क्या हुआ था पहले ये बता दें, यानी जो आज के पेपर में है और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था पहले उसके बारे में जान लीजिए, फिर इसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। कोर्ट ने 2006 का जो नागराज प्रकरण था उसको, जिसमें एससी एसटी को पदोन्नत में आरक्षण देने के लिए शर्तें तय की गई थी, उसको बड़ी पीठ को भेजने से मना कर दिया। यानी लोगों की डिमांड थी, याचिकाकर्ता की डिमांड थी कि इसको 60 सदस्यीय बड़ी बेंच में भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया और केंद्र के कुल आबादी पर विचार करने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। इसके पहले केंद्र ने यह कहा था कि एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए पहले डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, इसके बाद उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, जब तक और इसके बाद ये देखा जाएगा कि इनका प्रतिनिधित्व अन्य सरकार के विभागों में कितना है, तो उस आधार पर इनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी एसटी को दिए जाने आरक्षण में लागू होगी। संविधान पीठ ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि संवैधानिक कोर्ट किसी भी क्रीमी लेयर को दिए गए आरक्षण को रद्द करने के लिए सक्षम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो ये निर्णय सुनाया था ये 5 सदस्यीय पीठ ने, 5 सदस्यीय पीठ था और उन्होंने ये कहा है कि जो 2006 का नागराज प्रकरण था उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नागराज प्रकरण क्या था ये आपको बता दें, नागराज मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2006 के फैसले में कहा था कि एससी एसटी को पदोन्नत में आरक्षण से पहले राज्य सरकारें उनके पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाले आंकड़े, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य और समग्र प्रशासनिक दक्षता पर जानकारी मुहैया कराने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने आज ये कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब यह एससी एसटी में क्रीमी लेयर का मामला लागू करता है तो वह अनुच्छेद 341 तथा 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी एससी एसटी की सूची से में छेड़छाड़ नहीं करता, इसे सिर्फ वही लोग प्रभावित होते हैं जो क्रीमी लेयर के कारण पिछड़ेपन से बाहर निकल आए हैं और उन्हें आरक्षण से बाहर रखा गया है। यानी क्रीमी लेयर यहाँ पर लागू होगा, जो क्रीमी लेयर के दायरे में है उनको पदोन्नत में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसको ध्यान में रख करके अगर सरकार चाहे तो पदोन्नत में आरक्षण दे सकती है। तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने पदोन्नत में आरक्षण लागू किया था। सबसे पहले एससी एसटी को पदोन्नत में आरक्षण दिया गया नेहरू सरकार ने संविधान में 77वां संशोधन कर अनुच्छेद 16 में नई धारा 4A को जोड़ा, जिसके तहत एससी एसटी प्रतिभागियों को वरीयता देते हुए पदोन्नत किया जा सकता था। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नत में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, आरक्षण पर रोक लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यम नागराज केस 2006 में फैसला दिया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा सरकारी नौकरियों की पदोन्नतियों में एससी एसटी आरक्षण में लागू नहीं की जा सकती। अभी तक क्रीमी लेयर की अवधारणा ओबीसी में ही लागू थी, एससी एसटी में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि एससी एसटी, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होगी। इसको लेकर भविष्य में
राजनीति पूरी तरह से बहुत ज्यादा गर्माएगी, ये आज नोट कर लीजिए, ये राजनीति पूरी तरह से गर्माने वाली है। अप्रैल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पदोन्नत में आरक्षण की यूपी सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, फिर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दिया था। यहां ये आपको बता दें कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो 1992 का है, 2006 का यम नागराज का केस है, और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो पदोन्नत में आरक्षण को रद्द किया था ये 2011 का केस है, और 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के आधार पर प्रमोशन को अवैध करार दिया। 23 अगस्त 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एससी एसटी कर्मचारियों को पदोन्नत में आरक्षण देने पर जारी ज्ञापन निरस्त कर दिया। 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा पदोन्नत में आरक्षण दिए जाने पर रोक नहीं है, और 26 सितंबर 2018 को सरकार ने क्रीमी लेयर के साथ प्रोन्नत में आरक्षण की अनुमति एससी एसटी के लिए दे दी। तो ये रहा, तो आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें याद रखना है, 77वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 16(4)(a) जो नेहरू सरकार ने जोड़ा था, 2006 का यम नागराज प्रकरण जिसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा और डेटा कलेक्शन की बात की गई थी, 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये आर्डर किया था, और क्रीमी लेयर की बात, इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग की बात हम लोग कर लिया जाए थोड़ी सी। तो अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग करिए, अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग जो होती रही है वो विधानसभाओं और लोकसभा की कार्यवाही का होता है। कानून के एक छात्र स्वप्निल ने अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग पर अहम भूमिका निभाई। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ अनर्स में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे स्वप्निल त्रिपाठी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्वप्निल कानूनी मुद्दों के ब्लॉगर भी हैं। स्वप्निल ने याचिका में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण कक्ष स्थापित करने और कानून के छात्रों को यहां तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया 26 सितंबर 2018 को कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जाती है। जो ये फैसला दिया गया था ये मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कीटाणुओं के नाश के लिए सूरज की रोशनी बेहतरीन है। इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और इसको याद रखिएगा कि कीटाणुओं के नाश के लिए सूरज की रोशनी बेहतरीन है, ये टिप्पणी की है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने। न्यायालय ने कहा कि पायलट परियोजना के रूप में संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के सिर्फ कुछ खास तरह के मामलों और संविधान पीठ के समक्ष दी जाने वाली दलीलों का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। वैवाहिक विवाद या यौन उत्पीड़न का निपटारा करने वाले संवेदनशील मामलों को का सीधा प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। तो सरकार ने ये थोड़ा सा उस पर एक अंकुश रखने की कोशिश किया है, इससे जो जो मुक्तभोगी हैं या जो जिनके ऊपर ये बीती होती है उनको थोड़ा सा आसाहज महसूस होता हो सकता है, और उनकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, ऐसी पीड़िताओं के गोपनीयता पीड़ित जो है उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकार ने उनके मीडिया प्रसारण पर पहले से ही पाबंदी लगा रखी हुई है। तो आपको ये थोड़ा सा बता दें कि पश्चिम के कई देशों में अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर उपलब्ध होती है। ब्रिटेन 2005 से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है,
कनाडा में सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग होता है, लाइव प्रसारण होता है। न्यूजीलैंड में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसके बाद उसको यूट्यूब पर या अन्य माध्यमों से उसको प्रसारित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर अपलोड होती है, नहीं पहले वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, लाइव नहीं किया जाता लेकिन पहले वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसके बाद उसको वेबसाइट पर डाला जाता है। दक्षिण अफ्रीका जजों की अनुमति से कई मामलों में लाइव प्रसारण की अनुमति देता है। यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट में सभी मामले लाइव दिखाए जाते हैं। यूगोस्लाविया में 30 मिनट बाद इसको रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर डाला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यम संतोष हेगड़े का कहना है कि सीधा प्रसारण और वीडियो रिकॉर्डिंग गोपनीयता को हटा देगा, अधिक पारदर्शिता लाएगा और न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करेगा। यह एक अच्छा कदम है, इससे कानून के पेशे से बाहर के लोगों को यह जानकारी मिलेगी कानून के पेशे में क्या होता है। अभी तक जो अंदर कोर्ट में हो रहा है उसकी जानकारी हमें बहुत अन्य माध्यमों से छन छन करके मिलती थी, तो अब ये समस्या खत्म हो जाएगी और हमें कोर्ट के अंदर की जो कहानी है वो पता चलेगा। चलिए अब हम दूरसंचार क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दूरसंचार क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यानी 26 सितंबर 2018 को नई दूरसंचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी गई। 2018 की नई दूरसंचार नीति की जो कुछ खास खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार का दावा है कि इस नीति से अगले 4 साल में 40 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। नई दूरसंचार नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, इसे राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 NDCP 2018 ध्यान रखिएगा, फिर से मैं पढ़ देता हूं, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 NDCP भी कहा जाता है। अब सरकार देश में इस क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से काम करेगी। नई नीति के तहत देश में 5G सेवाएं 2022 तक शुरू होंगी। 3G और 4G की सरकार का कहना है, 3G और 4G की बस भले छूट गई लेकिन हम 5G की बस पर बैठ के चलेंगे, मतलब आपको भी बैठाएंगे। वो बात अलग है, 4G का भी डेटा अभी गोल गोल घूमता रहता है, उसकी स्ट्रीमिंग नहीं होती, उसकी स्पीड से आप लोग भले भात वाकिफ हैं, 5G कितना तेज चलेगा ये आप लोग खुद देखिएगा, समय बताएगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। नई नौकरियों के साथ साथ सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को 550 Mbps गति के साथ ब्रॉडबैंड सेवाएं दी जाएं। सरकार GDP में दूरसंचार की हिस्सेदारी पिछले साल के 6% से बढ़ाकर इस साल 8% करना चाहती है। नोट करने वाला पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। अभी तक GDP में टेलीकॉम सेक्टर की हिस्सेदारी 6% थी, अब टोटल GDP में सरकार इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर के 1% करना चाहती है। नई नीति से सरकार डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में $100 अरब का निवेश लाना चाहती है। इसके अलावा 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps की स्पीड से और 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी मुहैया कराने की बात की जा रही है। यहां पर आप थोड़ी सी और चीजें जान लीजिए। पिछली दूरसंचार नीति 2012 में बनाई गई थी, इसके 6 साल बाद सरकार इस क्षेत्र की नई नीति लेकर आई है। हर नागरिक को 550 Mbps गति के साथ ब्रॉडबैंड सेवाएं मिलेंगी। $100 अरब का विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। कितना सफल होंगे, कितना आपको लाभ मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, GSTN। हमने तो सोचा था कि आप जानते होंगे, पिछला वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा, लेकिन फिर भी बता दें, केंद्र सरकार ने GST नेटवर्क ध्यान दीजिएगा, इसका GSTN का फुल फॉर्म यही है, गुड्स
सर एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को पूरी तरह जो आपका डेटा रखती है, यानी आप किस नेटवर्क पर जाकर के अपने जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे और कौन आपके जीएसटी का कैलकुलेशन करेगा, कौन आपके ट्रेड का कैलकुलेशन करेगा, ये सारा काम करने के लिए जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन बनाया गया था। अब सरकार ने इसको सरकारी कंपनी बनाने का फैसला किया है, यानी इसके पहले तक सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% थी और बाकी निजी कंपनियों की हिस्सेदारी थी। अब सरकार इसमें 100% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी और इसमें राज्यों का भी आनुपातिक हिस्सा होगा। इसके पहले किसका कितना हिस्सा होता था ये हम आपको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से दिखा देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा था 24.5%, स्टेट गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको मालूम होगा जीएसटी काउंसिल जो है वो इसकी सबसे बड़ी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो इस पर निर्णय लेती है, अंतिम निर्णय लेती है, तो उसको मिला करके हिस्सा था 24.5%। एचडीएफसी बैंक का हिस्सा था 10%, एचडीएफसी का हिस्सा था 10%, आईसीआईसी बैंक का हिस्सा था 10%, एनएसई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी का हिस्सा 10% था, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का हिस्सा 11% था। तो जीएसटी नेटवर्क जो बनाया गया था इसको कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत सेक्शन 8 के अंतर्गत न्यू कंपनी एक्ट में इसको इनरोल किया गया था। यानी जो जीएसटीएन है अब पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन गई है। तो अभी तक ये कंपनी जीएसटी का जो आईटी ढांचा था, यानी आपके डेटा को सुरक्षित रखना, आपके डेटा को प्रोसेस करना, आपके रिटर्न फाइल को प्रोसेस करना, ये काम जीएसटीएन करती आई है, जिसमें 49% हिस्सेदारी अब तक सरकार की थी और 51% हिस्सेदारी जो थी वो प्राइवेट कंपनीज की थी, लेकिन अब सरकार ने इसको 100% सरकारी कंपनी बना दिया है। तो ये आज का कुछ अपडेट रहा। अब आपको थोड़ा सा अपडेट दे दें, एक छोटी सी चीज बता दें आपको कि 13 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। इसमें आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन सक्सेना, इलाहाबाद स्थित हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI कहते हैं इसको, ये झलवा में है, झूसी से थोड़ा सा अंदर जाने पर पड़ता है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अदिति सेन को भौतिकी विज्ञान का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार को गणित विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए 2018 का शांति स्वरूप पुरस्कार दिया गया है। भौतिक विज्ञान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर अम्बरीश घोष का चयन किया गया है। अन्य वैज्ञानिकों में जीव विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर गणेश नागाराजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च पुणे के थॉमस पुकेडेली, रसायन विज्ञान के लिए IISER के डॉक्टर राहुल बनर्जी और यहीं के डॉक्टर स्वाधीन कुमार मंडल को चुना गया है। पृथ्वी वातावरण के क्षेत्र में शोध के लिए एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी तिरुपत के डॉक्टर मेदिनेनी वेंकट रत्नम तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी के गोवा के डॉक्टर पार्थ सारथी चक्रवर्ती को चुना गया है। इंजीनियरिंग के लिए IIT मुंबई के अमित अग्रवाल तथा डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमत्से, बेंगलुरु के डॉक्टर गणेशन वेंकट सुब्रमण्यम का चयन किया गया है। तो
तो ये रही दोस्तों आज की प्रमुख अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा पूरा अपडेट अब तक पसंद आया होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे। आपको अगर कुछ भी इसमें लगता है कि हमें और चाहिए या और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है और आगे कुछ और अच्छा करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। बेल बटन दबाएंगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन बराबर जाता रहेगा। और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।